सनी लियोनी की भारत में पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगातार 4 साल वो भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल रहीं। सनी ने कई फिल्मों में अपने डांस और अभिनय से लोगों को एंटरटेन तो किया ही है, साथ ही अपनी क्यूटनेस से भी बहुत से दिल जीते हैं। सनी को इंडिया में प्यार भी बहुत मिला है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी बहुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सनी की बचपन से लेकर एडल्ट इंडस्ट्री तक और एडल्ट फिल्मों से बॉलीवुड तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लीला को देखने की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी थारे को। सनी लियोनी का जन्म 13 मई 1981 को सर्निया ओंटेरियो कनाडा में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ। सनी के माता पिता ने उनका नाम करणजीत सिंह रखा था। जी हां, सनी का रियल नेम करणजीत सिंह है। सनी के पिता दिल्ली में पले बड़े थे, जिनकी शादी होने के बाद वो कनाडा चले गए। सनी के पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं। सनी की स्कूली पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई। उनके माता पिता को लगता था कि पब्लिक स्कूल सनी के लिए सेफ नहीं है। सनी जब 13 साल की थी तब वो और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। अब वो सब लोग, सनी, उनके पेरेंट्स और उनके भाई कैलिफोर्निया में रहने लगे। सनी को उस टाइम खेलों का भी बहुत शौक था, जिनमें वो हॉकी और आइस स्केचिंग में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। सनी ने कैलिफोर्निया के ही एक स्कूल से 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उस समय वो चाहती थी कि वो नर्स बने, इसीलिए स्कूलिंग पूरी होने के बाद उन्होंने नर्स बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। कैलिफोर्निया आकर सनी की फैमिली पैसों की तंगी से जूझने लगी थी, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत महंगा था, इसीलिए सनी के पापा को घर चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं और आए दिन आर्थिक स्थिति को लेकर उनके घर में प्रॉब्लम्स रहती थीं। सनी ने ये बात समझी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक जर्मन बेकरी में जॉब करना शुरू कर दिया। इस जॉब के बावजूद उनके घर की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सनी ने बेकरी के अलावा भी कई जॉब की थी पर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। अब सनी की जरूरतें भी पूरी होना मुश्किल हो रही थीं। नर्सिंग के दौरान ही सनी की एक दोस्त थी जिन्होंने सनी से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, तुम मॉडलिंग में हर तरह से परफेक्ट लगोगी। सनी को अपनी उस दोस्त की बात समझ आई, उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सनी की जिस दोस्त ने सनी को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी वो एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को एजेंट से मिलवाया, तब सनी की उम्र 18 साल थी। उस एजेंट ने सनी से बोला कि मैं क्लाइंट प्रोवाइड करता हूँ पेंट हाउस मैगजीन के लिए। पेंट हाउस मैगजीन एक बहुत ही फेमस और न्यूडिटी के लिए जानी जाने वाली मैगजीन थी, पर सनी को तब इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सनी को पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस आने को बोला। सनी अगले ही दिन ऑफिस पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर सनी को इस मैगजीन की हकीकत का पता चलता है। सनी को बताया गया कि आपको बोल्ड फोटो शूट कराने हैं जिसके लिए हम आपको 10 से 12 हज़ार डॉलर्स देंगे। सनी को उस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ये इतने डॉलर्स थे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ आसान हो जाता। सनी ने सोचा कि इतने पैसे तो मैं साल भर जॉब करके भी नहीं कमा सकती, इसीलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हाँ कर दी। ये फोटोशूट सनी ने साल 2001 में कराया था जिसमें उनकी फ़ोटो कवर पेज पर छपी थी। पेंट हाउस मैगजीन के ओनर ने सनी से बोला कि तुम्हें करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा, तुम्हें नाम बदलना चाहिए। इसके बाद करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ओनर ने इसमें लियोनी भी जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम करणजीत सिंह से सनी लियोनी हो गया। सनी ने इस फोटो शूट के बाद जो पैसा मिला था उसे अपने घर पर बताया, पर पूरा सच ना बता सकी। सनी के माँ पापा को खुशी तो हुई पर उन्होंने सनी से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो सनी ने बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है। साथ ही सनी ने अपने घर के आसपास की दुकानों की सारी मैगजीन्स खरीद ली जिससे कि उनके घर वालों को पता ना चले। पेरेंट्स से तो नहीं, पर सनी ने अपने फोटोशूट के बारे में अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया। सनी की फ़ोटो पेंट हाउस के फ्रंट पेज पर छपने के बाद उन्हें और भी मैगजीन्स के न्यूड फोटोशूट के ऑफर मिलने लगे। सनी भी हर जगह काम करने जाने लगी जिससे वो बहुत तेज़ी से फेमस होती जा रही थीं। अपनी तेज़ी से बढ़ती प्रसिद्धि देख सनी को ये एहसास हो गया कि अब उनकी सच्चाई उनके माँ पापा से ज़्यादा दिन नहीं छिप पाएगी। माँ पापा को कहीं और से ना पता चले, इसलिए सनी ने हिम्मत करके खुद ही अपनी सारी हकीकत बता दी। उन्होंने बताया कि वो जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं
वहाँ बदनामी तो है पर पैसा बहुत है। सनी के पेरेंट्स के लिए ये बहुत शॉकिंग था। सनी की माँ भारत के एक गांव से थी तो उनकी नज़रों में तो ये बहुत गलत था, इसीलिए सनी की माँ इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पर उनके पापा ने स्थिति को समझा और सनी से बोला कि ये रास्ता तुमने अपनी मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है, पर याद रखना कभी टेररिज्म और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना। न सिर्फ घर वालों की बल्कि सभी रिलेटिव्स के सामने भी सनी की सारी सच्चाई आ चुकी थी, इसीलिए सब ने सनी से और उनके घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम फोटोशूट और मैगजीन्स में छपने के बाद एक एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का करार हुआ। इस एजेंसी का नाम था विविद। विविद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सनी ने ये शर्त रखी थी कि वो सिर्फ लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगी। लेस्बियन का मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्में बनाएंगी। विविद के साथ 3 साल काम करने के दौरान वो एक मैट एरिक्सन नाम के इसी इंडस्ट्री के मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गईं। विविध के साथ 3 साल का करार खत्म होने के बाद सनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वो मेंस के साथ भी सब कुछ करती नजर आईं। पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर सनी की शर्त ये थी कि उनकी सारी फिल्में सनी के बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ होंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था जिसमें जितनी भी फिल्में बनी सभी बहुत देखी गईं। सनी मैट एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी, पर ये रिश्ता कुछ साल चलने के बाद टूट गया। साल 2008 में मैट एरिक्सन और सनी लियोनी अलग अलग हो गए। सनी की माँ को ड्रिंक करने की आदत थी और सनी के प्रोफेशन के बारे में उन्हें जब पता चला तो वो कुछ ज़्यादा ही पीने लगी थी। वो धीरे धीरे इतनी एल्कोहलिक हो गईं कि उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए साल 2008 में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये समय सनी के लिए काफ़ी बुरा था और इसी बुरे टाइम में वो एक और एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति से मिली। नाम था डेनियल वेबर। डेनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डेनियल और सनी की दोस्ती हुई जो कुछ ही टाइम में रिलेशनशिप में बदल गई। सनी और डेनियल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की एडल्ट फिल्मों की प्रोडक्शन स्टार्ट की जिसमें अब दूसरे लोग काम कर रहे थे। कुछ टाइम उस प्रोडक्शन को चलाने के बाद सनी और डेनियल ने डिसाइड किया कि अब वो इस एडल्ट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अब डेनियल और सनी दोनों ही एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। कुछ साल पहले पता चला सनी के पापा को कैंसर है जो साल 2010 में बेकाबू हो गया, इसीलिए उनके पापा का भी देहांत हो गया। सनी के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उनके पास काम भी कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी पॉपुलरिटी। इसी पॉपुलरिटी का सनी को फ़ायदा ये हुआ कि साल 2011 में उन्हें इंडिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आया। सनी को इस शो का हिस्सा होने के लिए $1,00,000 ऑफर किए गए। सनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के अलावा यहाँ कोई बल्गर काम नहीं था और यहाँ वो खुद की पर्सनैलिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद सनी की फैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा उछाल आया। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी उनकी स्माइल और क्यूटनेस पर फिदा हो गए। लेकिन सनी को शो में लाना बहुत लोगों ने गलत भी बताया, पर सनी की एंट्री से शो की टीआरपी काफी बढ़ गई, इसीलिए विरोध करने वालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में ही सनी और डेनियल वेबर ने शादी कर ली जिनसे सेरोगेसी से सनी के ट्विन बेबीज भी पैदा हुए। इनके अलावा साल 2017 में सनी ने एक बच्ची को एक हिंदुस्तान की चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी से गोद लिया। ये बच्ची अक्सर सनी के साथ नजर आ जाती है। बच्ची का रंग सांवला है इसीलिए उस बच्ची को कोई भी कपल गोद नहीं ले रहे थे। सनी और डेनियल से पहले वो 11 कपल द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी उनके लुक की वजह से, पर सनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया। उस बच्ची का नाम निशा सिंह वेबर है। सनी को बच्चों के प्रति काफी लगाव है। न सिर्फ वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं बल्कि और बच्चों के लिए भी वो काफी चैरिटी करती रहती हैं। बिग बॉस से सनी को बहुत प्रसिद्धि मिल गई, इसीलिए बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। सनी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी जिस्म 2। इस मूवी में सनी ने सबसे मेन रोल प्ले किया था। लोगों द्वारा ये मूवी बहुत पसंद की गई। उनकी पहली मूवी ही सुपरहिट साबित हुई, लेकिन सनी की दूसरी मूवी जो 2013 में आई थी जैकपॉट, वो फ्लॉप रही।
लेकिन इसके बाद साल 2014 में सनी लियोनी को रागिनी MMS 2 मूवी में देखा गया। रागिनी MMS 2 मूवी एक बहुत बड़ी हिट रही और इस मूवी का एक सॉन्ग बेबी डॉल लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि सिर्फ एक गाने ने ही उन्हें इंडिया में सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उन्हें और भी बहुत से ऑफर आने लगे। वो गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी लिस्ट में आ गई और वो 4 साल तक इस लिस्ट में रहीं। साल 2017 में तो सनी ने गूगल सर्च के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे कर दिया था। कुल मिलाकर सनी का स्टारडम बहुत ऊपर पहुंच गया। सनी ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में की हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में जितना नाम एक्टिंग में कमाया है उतना ही उन्होंने आइटम सॉन्ग से भी कमाया है। सनी लियोनी बोलती हैं कि मुझे इंडिया में जितना प्यार मिला है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि सनी को उनके बैकग्राउंड की वजह से आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, पर उस इंडस्ट्री से निकलकर अपने आप को सभी तरह के कमेंट्स का सामना करते हुए बॉलीवुड में स्थापित करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सनी की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। सनी लियोनी एक मॉडल एक्ट्रेस होने के अलावा एक बिजनेस वूमेन भी हैं। सनी लियोनी की खुद की एक वेबसाइट है sunnylioni.com नाम से। सनी लियोनी 2005 में MTV अवार्ड MTV इंडिया प्रोग्राम के लिए रिपोर्टर के रूप में भी नज़र आई थी। उसी टाइम सनी को डायरेक्टर मोहित सूरी ने कलयुग फिल्म में रोल का ऑफर किया था। सनी ने इस रोल के लिए $1 million की डिमांड की थी। इतनी भारी रकम सुनकर मोहित ने सनी से मना कर दिया। सनी से जब पूछा गया कि आप अपने हेटर्स के बारे में क्या सोचती हैं जो कि इंडिया में बड़ी संख्या में हैं, इस पर सनी ने बोला कि सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है। कोई मुझे हेट करता है या गालियां देता है तो मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ। सनी ने हॉलीवुड में भी कई फिल्मों और शोज में काम किया है। सनी लियोनी को एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा पेंटिंग करना, डॉग्स के साथ खेलना और लिखना भी पसंद है। उनकी लिखी हुई एक किताब साल 2016 में लॉन्च हुई जिसका नाम था स्वीट ड्रीम्स। सनी लियोनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं आमिर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, पर यह मुश्किल है कि वो मेरे साथ काम करें, इसकी वजह मेरा बैकग्राउंड हो सकता है। जब आमिर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप सनी के साथ काम करना चाहेंगे, तो आमिर ने बोला अगर वो किसी किरदार और स्टोरी में परफेक्ट हैं और कहानी मुझे भी पसंद आती है तो मैं जरूर उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं एक इंसान और कलाकार के तौर पर उनकी इज्जत करता हूँ, उनका बैकग्राउंड कैसा है या वो पहले क्या करती थी, इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी लियोनी के पास पहले 2 देशों की नागरिकता थी, अमेरिका और कनाडा, और अब उन्हें भारत की भी नागरिकता मिल चुकी है। सनी जब पहली बार डेनियल वेवर से एक इवेंट में मिली थी उस टाइम उन्हें डेनियल पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि डेनियल वेवर उस इवेंट में काफ़ी लेट आए थे। फिर डेनियल ने सॉरी बोलते हुए एक के बाद एक 40 गुलाब सनी को दिए। इस हरकत पर सनी मुस्कुराने लगी और डेनियल से इम्प्रेस हो गई। सनी बोलती हैं वो डेनियल से बहुत प्यार करती हैं, डेनियल बहुत स्मार्ट, सेक्सी और टैलेंटेड हैं और मेरे लिए डेनियल बहुत परफेक्ट हैं। साल 2007 में एवियन अवार्ड में सनी का नाम कई कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ और यहाँ उन्होंने बहुत से अवार्ड जीते। ये अवार्ड शो बहुत फेमस है जिस पर दुनिया भर की एडल्ट इंडस्ट्री की नज़र रहती है। सनी के भाई का नाम संदीप सिंह वोरा है जो एक जाने माने सेफ हैं। सनी जब इंडिया में काफ़ी फेमस हो रही थीं तब उन पर एक मुंबई की महिला ने केस कर दिया जो कि उनकी वेबसाइट sunnylioni.com को लेकर था। सिर्फ एक नहीं, सनी पर ऐसे बहुत से केस फाइल होते रहते हैं और उन पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत होती हैं। ऐसे ही श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी ने कहा था कि उनके कारनामे देखकर उनका नाम कौर नहीं होना चाहिए। जब सनी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने बोला ये नाम तो मेरे मॉम डैड ने रखा, तो मेरा रियल नेम यही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और बात करें मेरे काम को लेकर तो उस इंडस्ट्री में मेरा नाम करणजीत कौर नहीं सनी लियोनी था। सनी से जब पूछा गया कि इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में आप अपने काम पर फोकस कैसे कर लेती हो, तो जवाब था कि अब उन्हें आदत हो चुकी है, मैं बस अपने काम पर ध्यान देती हूँ और काम ही मेरे लिए सब कुछ है। सनी लियोनी खुद को मॉडल या एक्ट्रेस मानने से पहले एक एंटरटेनर मानती हैं और उनका उद्देश्य हमेशा से ही लोगों को अपने काम से एंटरटेन करने का रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी स्टार एक्ट्रेस और मॉडल सनी लियोनी, या कहिए करणजीत की।
सनी की पूरी कहानी को तो इंस्पिरेशन नहीं कह सकते, पर उन्होंने जिस तरह अपने बदनाम प्रोफेशन को पीछे छोड़कर एक एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बनाई, ये चीज सिखाती है कि अपने ऊपर लगे दाग को अपने आने वाले समय के काम से हटा सकते हैं या धुंधला तो कर ही सकते हैं। अगर आप सनी के फैन हैं और उनकी हर बॉलीवुड मूवी और सॉन्ग्स देखे हैं तो कमेंट करके बताएं कि किस मूवी में आपको उनका काम सबसे अच्छा लगा था। साथ ही एक कमेंट हमारे चैनल के लिए भी करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं सनी और उनका परिवार हमेशा खुश रहे और सनी और भी बहुत कुछ अचीव करें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। Do you believe me? No, you're insane. अपने आप को मसीहा समझते हो? You've killed 200 people. तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भी उस झूठ को मान के चल रही हो जो ये ताकतें तुम्हें दिन रात अखबारों और टीवी में बेचती हैं। लेकिन अब मैं इस जिंदगी के सर्कस से थक गया हूं इसना। झूठ मैं मान नहीं सकता, सच किसी को सुनना नहीं। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मैदाने जंग में लड़ते हुए उन कायरों के दिए हुए इस शहर से नहीं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। मुझे बताओ, आपने वो किया? वो? हाँ। वो करने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे वो नहीं, शादी। ए, सॉरी, शादी।